दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का और जुड़ जाएगा हमारे साथ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं, तो जो भी लोग बने हुए हैं वो शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि हम लोग यहाँ पर क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। तो ओके, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और जो लोग आ रहे हैं वो भी जल्दी जल्दी आ जाएँ यहाँ पर, क्योंकि 6 से ही क्लास थी। कुछ लोग 6:30 का बोल रहे थे, लेकिन 6 से ही क्लास थी, तो 6 से ही क्लास है, मैराथन क्लास रहेगी। और अभी 2 से 3 दिन के अंदर ही हम लोग जो है ख़त्म कर देंगे बाल विकास वर्ग 2 के लिए, जितना है पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा साइंस का मैराथन रहेगा, जो हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर चलिए, सभी के कमेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जिस तरीके से रोज़ डिस्कस करते हैं थॉट्स को यहाँ पर लेते हैं, तो आज का थॉट ये आपके सामने है और इस थॉट को देखकर आप लोग पॉजिटिव हो सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो ये आज का थॉट है। चलिए, तो हम लोग फिर क्लास को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आपके थॉट्स और पॉजिटिव विचार भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो आने लगे हैं बिल्कुल। तो आज का ये थॉट आप लोगों के सामने अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, बहुत ही अच्छा थॉट है, बहुत ही शानदार ये विचार है। अब्दुल कलाम जी का ये विचार है, जल्द मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती और जो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती हैं वो जल्दी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर थॉट श्री अब्दुल कलाम जी का। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेंगे, जो 11वें प्रश्न से हमने पीछे छोड़ दिया था। 11वें प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। कल हम 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले थे, लेकिन बीच में जो हमने ख़त्म करना पड़ा था, तो 11th क्वेश्चंस से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर शुरू हो जाएं और क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी। ऑप्शंस आपके सामने हैं बॉरेन, ऑप्शन नंबर बी रॉस, ऑप्शन नंबर सी वैलेंटाइन, ऑप्शन नंबर डी स्किनर। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह चिंतन की परिभाषा किसने दी थी। 11वें प्रश्न का देखते हैं कि आप लोग क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो आप लोगों के आंसर्स भी यहाँ पर आने लगे हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, रॉस ने यह परिभाषा दी थी। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा रॉस ने दी थी। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो चिंतन शक्ति का जो विकास होता है उसकी प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है यथेष्ट अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर सी यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, और ऑप्शन नंबर डी है कम बुद्धि व ज्ञान। बार बार ये प्रश्न देखते हैं कि आप लोग के यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर निकल के आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आ रहा है निकल के, 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कम बुद्धि व ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को नंबर 1 उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुनें और उसका अनुपालन करें, ऑप्शन नंबर सी व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। देखते हैं आप लोग इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। 13वां ये प्रश्न है, तो आपके आंसर्स भी यहाँ पर आने लगे हैं। 13वें प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन दी, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। 14वां प्रश्न आप लोगों के सामने, भाषा ऑप्शन नंबर 1 हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर बी हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर सी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। बी और सी तो सेम ही लगभग है, इनकी हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, हमारी इसमें दिया है विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। बताइएगा आप 14वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर देंगे। तो डी आंसर यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। 15वां प्रश्न, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन
काल हैं। कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। किस प्रकार का काल है? कम महत्वपूर्ण है, अति अमहत्वपूर्ण है, एक अति संवेदनशील है या निरपेक्ष है। 15वां प्रश्न आप लोगों के सामने देखते हैं। इस प्रश्न का आप लोग क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे? तो 15वें प्रश्न का आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 और बी भी दे रहे हैं। तो 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर रिसा जी ने दिया ऑप्शन नंबर सी, अति संवेदनशील भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? कक्षा एक की बात चल रही है, कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर बी लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। ऑप्शन नंबर सी सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। 16वां प्रश्न देखते हैं, 16वें प्रश्न का आप लोग क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर देते हैं। तो क्वेश्चन को जरा एक बार और देख लें और सभी लोगों से अनुरोध है लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोग दे रहे हैं कि सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। चेक करेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर को, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, पहले सुनना होगा, फिर बोलना, इसके बाद पढ़ना और फिर लिखना। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 इस दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। CGTET 2011 का ये क्वेश्चन है, तो बताएगा क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है 17वें प्रश्न का। तो ऑप्शन आपके आ रहे हैं यहाँ पर, चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ रहा है आपका बी। चलिए बी आ रहा है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का। ओके, प्रिंस तिवारी जी, रामदास जी, अमिता जी ऑप्शन नंबर बी कुछ लोग दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी कुछ लोग दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है मीना पटेल जी का ऑप्शन नंबर डी, 17वें प्रश्न का आपने दिया है बहुभाषा, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। तो एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति क्या उत्पन्न करती है? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या। ऑप्शन नंबर सी अध्यापक में कुंठा। ऑप्शन नंबर डी सीखने के समृद्ध संसाधन। 18वां ये प्रश्न है, बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं और यह स्थिति क्या उत्पन्न करती है? 18वें प्रश्न का यहाँ पर देखेंगे क्या करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल के आता है। तो आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसे हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो 18वें प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, सीखने के समृद्ध संसाधन। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं और यह स्थिति उत्पन्न करती है सीखने के समृद्ध संसाधन। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। ऑप्शन नंबर डी शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। देखते हैं 19वें प्रश्न का आप लोग क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर देते हैं। चलिए तो देखते हैं इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल गया है। 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आप लोग दे रहे हैं कि शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों की संवेदनशीलता, जो कि एकदम करेक्ट है। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ठीक है, तो कौन सा कथन है जो भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के जो दृष्टिकोण है उनका सही वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिया गया है कि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी है वाइगोत्स्की के अनुसार विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का आप लोग क्या करेक्ट आंसर देते हैं यहाँ पर। 20वें प्रश्न का बताइएगा क्या यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, देखते हैं आप लोग के आंसर्स को। तो 20वें प्रश्न का आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए और बी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की के अनुसार विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है?
आरटीईटी का प्रश्न है, पूर्वानुभव भाषा तर्क या समस्या, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है बताइएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर पूर्वानुभव भाषा तर्क समस्या 21वें प्रश्न का देखते हैं आप लोग क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर देंगे। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हमारे साथ बने हुए हैं और जितने भी लोग बने हुए हैं मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर और करते रहिएगा। अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें और शेयर जरूर कर दीजिएगा अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में अपने। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर आप लोग देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग दे रहे हैं तर्क, चेक करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर बिल्कुल तर्क ही होना चाहिए। मुझे यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि मुझे लग रहा है कि गलत होना चाहिए। बिल्कुल आप लोग बताइए तर्क ही होना चाहिए आंसर या समस्या होना चाहिए आंसर, तो क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर तर्क होना चाहिए चिंतन प्रारंभ होने के लिए। ओके, समस्या भी हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, बट आई थिंक मैंने कहीं पर पढ़ा था। करेक्ट आंसर बताएं जिनके पर जिन्हें एकदम करेक्ट आंसर मालूम हो तो वो बताइएगा यहाँ पर। ओके, काफ़ी सारे लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है और बिल्कुल यहाँ पर भी दिया हुआ है तो हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही इसका मानेंगे, समस्या ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, डी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाषा का जो विकास होता है उसके लिए सबसे संवेदनशील जो समय होता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन नंबर बी मध्य बचपन का समय, ऑप्शन नंबर सी वयस्क अवस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रारंभिक बचपन का समय। बताइएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 22वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी आप लोग दे रहे हैं कि बी होना चाहिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, प्रारंभिक बचपन का समय। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है वो है प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन नंबर डी। 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भाषा, पुनर्वलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या अनुकरण। तो पियाजे जो हैं उनके अनुसार भाषा को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? भाषा, पुनर्वलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या अनुकरण। 23वां प्रश्न देखते हैं कि आप लोग क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर देते हैं। तो चलिए आंसर सारे निकल के 23वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक के सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। देखते हैं इस प्रश्न का आप लोग क्या करेक्ट आंसर देते हैं। 24वां ये प्रश्न है तो आंसर आपके निकल के आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। 25वें प्रश्न का आंसर बताइएगा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का निकल के, देखते हैं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग दे रहे हैं बी। तो बी यहाँ पर आई थिंक करेक्ट आंसर होना चाहिए, बी करेक्ट आंसर है बिल्कुल, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो अमूर्त जो चिंतन है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए हम बात कर रहे हैं क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता। ये अवस्थाएं आपके सामने दी गई हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी संवेदी गतिक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखते हैं आप लोग इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर देते हैं। 26वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 आप लोग दे रहे हैं जिसे यहाँ पर चेक करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है,
चलाघात, पठन वैकल्य, वाक् संबद्ध रोग, भाषाघात। तो भाषा अवबोधन से संबंधित जो विकार है वो कौन सा है बताएगा यहाँ पर 27वां ये प्रश्न आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए चलाघात, ऑप्शन नंबर बी पठन वैकल्य, ऑप्शन नंबर सी वाक् संबद्ध रोग, ऑप्शन नंबर डी भाषाघात। देखते हैं इस प्रश्न का आप लोग क्या करेक्ट आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोग दे रहे हैं, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी भाषाघात, जो भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। चलिए डी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया। तो भाषा विकास के संदर्भ में पियाजे ने किस क्षेत्र को कम करके आंका था, अनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। 28वें प्रश्न का देखते हैं यह आप लोग का आंसर। चलिए तो 28वें प्रश्न का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है वंदना जी का आंसर, सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो देखिए यहाँ पर कथन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर वन आपके यूटीईटी का है ये प्रश्न, सत्य कथन पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी लड़कियां होती हैं, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर वन बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर। देखते हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है निकल के। सी बिल्कुल करेक्ट है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शंस रहे। पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, ऑप्शन नंबर सी संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ऑप्शन नंबर डी शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। बताइएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। थोड़ा सा ये जूम बहुत ज़्यादा हो गया है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका आपको बताना है। और ये देखिए आपके ऑप्शंस, देखते हैं इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर आ रहा है निकल के। चलिए देखते हैं इस प्रश्न, दो का डी आप लोग आंसर दे रहे हैं। दो का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है ये बताइएगा तीसरा प्रश्न। देखते हैं इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो ओके, तो तीसरे प्रश्न का आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आंसर, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह, जो कि यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर आपका निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं ये सीखने का वातावरण। ओके, यहाँ पर देखिए पूरे प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को जरा, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को व्याख्यित आएगा या यह सीखने के वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता, निर्मित होगा यहाँ पर या पर प्रभाव डालता है, या होगा रूपांतरित या को क्षुब्ध करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा परिभाषित या को कम प्रभावी बनाता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को और पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आप लोगों को आई थिंक दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पूरा नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं फोर का आप लोग का आंसर आ रहा है यहाँ पर निकल के ऑप्शन नंबर डी। चलिए कि आप लोग दे रहे हैं कि परिभाषित कम प्रभावी, यानी कि कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को परिभाषित करते हैं यह सीखने के वातावरण कम प्रभावी बनाता है। ओके, ऑप्शन नंबर फोर का डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं, यानी कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई जो विशेषताएं हैं वो क्या कहलाती हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, ऑप्शन नंबर बी जेंडर भूमिका नैदानिकी, ऑप्शन नंबर सी जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी जेंडर भूमिका। पांचवें प्रश्न के देख लेते हैं कि आप लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर है आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए लड़के लड़कियों के साथ एक को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, ऑप्शन नंबर डी लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखते हैं छठे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर आप लोग देते हैं। ओके, तो छठे प्रश्न का यहाँ पर आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लड़कियों लड़के लड़कियों के साथ एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, ऑप्शन नंबर सी सत्य धारणा है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। सातवां प्रश्न देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर बिल्कुल लैंगिक पूर्वाग्रह पर ग्रसित ये धारणा है जो इस तरीके से बोलेगा। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक जिम्मेदारी से, ऑप्शन नंबर बी लैंगिक समानता से, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने लैंगिक पक्षपात से, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है कि लैंगिक संवेदनशीलता से। अच्छा जो विद्यालय होता है वो इनमें से किससे बचेगा, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग के आंसर्स को कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। तो आठवें प्रश्न का यहाँ पर आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी लैंगिक पक्षपात से, जिसे यहाँ पर चेक करेंगे तो आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी लैंगिक पक्षपात से, जो कि एकदम करेक्ट है। एक अच्छा विद्यालय लैंगिक पक्षपात से बचता है। नवे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर वन लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, पहला है लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में, और दूसरा है लड़कों को घर के कार्यों में। ओके, तीसरा आपके सामने है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है कि लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। बताइए करेक्ट आंसर नवे प्रश्न का यहाँ पर क्या आ रहा है निकल के, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का आ रहा है बी, बी एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पर। दसवां प्रश्न लिंग यानी जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है, ऑप्शन नंबर ए अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है अनुवांशिक भिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं, और ऑप्शन नंबर डी स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। ये आपका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर ध्यान रखिएगा दसवां। देखते हैं इस प्रश्न का आप लोग क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर देते हैं, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं सी आंसर आ रहा है यहाँ पर, हमें चेक करेंगे यहाँ पर। दसवें प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। ग्यारहवा प्रश्न छात्राएं ऑप्शन नंबर ए गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई होती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर बी अपने आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छे हैं, ऑप्शन नंबर सी अपने आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, ऑप्शन नंबर डी भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं। बताइएगा करेक्ट आंसर होगा क्या यहाँ पर ग्यारहवां प्रश्न, गणित के सवाल अच्छे से सीखते हैं या कठिनाई आती है, चलिए बताइएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो आ रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग्यारहवें प्रश्न का आपका निकल के बी आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, और बी एकदम करेक्ट है यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है, चलिए तो बी करेक्ट है यहाँ पर, जो कि अपने आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छे हैं, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बारहवां प्रश्न विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं, यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे कार्य करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम हो, ऑप्शन नंबर बी लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं, ऑप्शन नंबर सी पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। बताइएगा यहाँ पर बारहवें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो बारहवें का ऑप्शन नंबर सी आप लोग दे रहे हैं कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, जो कि एकदम करेक्ट यहाँ पर है। तेरहवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि ऑप्शंस वन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर वन बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं,
ऑप्शन नंबर सी, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। देखते हैं 13वें प्रश्न का आप लोग क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर देते हैं। डी आंसर यहाँ पर आ रहा है जो कि करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर सी, दूरदर्शन के प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है कि उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। 14वां प्रश्न आपके सामने है और जो करेक्ट आंसर यहां पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बना रहा है प्रिंस जी का आंसर कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर आधारित होती है, जो कि एकदम करेक्ट है। 15वां प्रश्न आपके सामने है। राज्य स्तर की एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियां, ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर डी लैंगिक पूर्वाग्रह। तो 15वें प्रश्न का यहाँ पर देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी लैंगिक पूर्वाग्रह। 16 प्रश्न, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुमानसिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइएगा क्या करेक्ट होगा। यहाँ पर देखते हैं कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग दे रहे हैं डी। चलिए यहाँ पर चेक करेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर का यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। 17वें प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ऑप्शन नंबर डी, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? 17वां प्रश्न देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर। 17वें प्रश्न का आप लोग क्या देते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर, 17वां प्रश्न ये, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आ रहा है, कक्षा 12 तक पहुँचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना। चलिए 18वां प्रश्न, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग यानी जेंडर पक्षपाती है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षाप्रद, ऑप्शन नंबर सी सही दृष्टिकोण वाला, ऑप्शन नंबर डी नीति परक। 18वें प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने चुना है, लिंग यानी जेंडर पक्षपाती है अध्यापक। CET 2015 में पूछा गया था। 19वां प्रश्न आपके सामने, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो यह टिप्पणी ऑप्शन नंबर ए जातीय भेदभाव का परिचायक है। ऑप्शन नंबर बी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर डी लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर जरूर ध्यान रखें 19 का बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग का आंसर, चलिए 19 का सी बिल्कुल करेक्ट है, लड़कियों लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञा करी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। ये कथन है, ये कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है बताइएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर वन आपके सामने है, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। ऑप्शन नंबर बी है, लिंग समरूपता। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। और डी ऑप्शन आपके सामने है, लड़की के लिंग की गलत पहचान।
बताइएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को जरा एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। किसको प्रतिबिंबित करता है CET 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल जनरल जनरल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 20वां प्रश्न, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें हंसी आ जाती है। तो 20वें प्रश्न यहाँ पर करेक्ट आंसर देते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं ये सीखने का वातावरण। देखिए यहाँ पर ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आई थिंक। कक्ष में विद्यार्थी और कक्षा किस प्रकार विद्यार्थी और शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को क्या करते हैं ये सीखने के वातावरण, बताइए करेक्ट आंसर 21वें प्रश्न का क्या होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किस प्रकार जेंडर को परिभाषित करते हैं सीखने के वातावरण को कम प्रभावी बनाता है। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। PTET का क्वेश्चन, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है। स्वीकार्यता, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी अनुकूलन। तो सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है। 22वें प्रश्न का देखते हैं कि आप लोग का क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। तो काफी सारे लोग यहाँ पर हैं। चलिए तो 22वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आप लोग दे रहे हैं प्रतिरोध। तो 22वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है क्रांति। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रांति होगा यहाँ पर। ऑप्शन क्वेश्चन 23 देखिएगा। मोनिका जो कि गणित की एक शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तब वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डाल रही है। और ऑप्शन नंबर डी है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवाल के जवाब देने में योग्य नहीं है। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या आता है निकल के यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है 23वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप दे रहे हैं बी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं की रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो पूरा सार यही निकल के आ रहा है कि लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा यहाँ पर नहीं देना है हमें। जो भी क्वेश्चन आपसे लिंग रूढ़िबद्धता के बारे में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझना ये है कि हमें किसी भी प्रकार की लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा नहीं देना है विद्यालय में। ये बेसिकली यहाँ पर समझने की बात है। चलिए सारे क्वेश्चंस को समझ चुके हैं और यहाँ पर बस इतने ही क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे और ठीक है। और बाकी आप लोग यहाँ पर थॉट जल्दी दे पाएँ तो दे दीजिएगा अच्छे सा थॉट कोई, फिर हम लोग यहाँ पर क्लास को करेंगे एंड। तो चलिए बताएगा यहाँ पर कोई अच्छा सा थॉट आप लोग का, तब तक मैं आपको ये थॉट यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए तो देखते हैं आप लोग क्या यहाँ पर थॉट्स निकल के आ रहे हैं। तो चलिए काफ़ी सारे अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, अपनी तरक्की में इतना डूब जाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। बहुत बढ़िया, इसी थॉट के साथ यहाँ पर क्लास को एंड कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।